हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक राज विक्टा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया है। मैं भी मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। गाइस, आज का ब्लॉग है, एक स्पेशल ब्लॉग होने जा रहा है। आज बहुत ही स्पेशल 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 ब्लॉग होने जा रहा है, क्योंकि आज का जो ब्लॉग है, आज का ब्लॉग रहेगा, आज जो है मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो गाइस, आप सभी व्यूअर का तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन में ही मेरे जो है, आज के दिन में अभी 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 सुबह मॉर्निंग में जब उठा था तो 998 सब्सक्राइबर थे। तो जब तक मैं बगीचे से वापस आया, तब तक के लिए मेरे जो है सब्सक्राइबर जो है 1K हो गए थे, क्योंकि वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी। मोनिका ने फ़ोन किया, पल्लू ने फ़ोन किया था, तो मैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। मैंने कहा किस चीज़ के कॉन्ग्रेचुलेशन? कि आपके 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए। वाह, मैंने कहा है। फिर जाके मैंने अपना फ़ोन देखा, यूट्यूब देखा, तो देखा सच में वहाँ पे जो है 1K लिख के आ रहा था। बहुत ही स्पेशल फीलिंग आ जब वहाँ पे दिख रहा था कि 1K सब्सक्राइबर। तो एक ये बहुत ही गजब का जो है, मतलब एक अनुभव और एक बहुत ही क्या क्या बोल सकते आपको, खुशी का एक, मतलब अंदर से बहुत खुशी हुई, क्योंकि आपको पता ही है कि 1000 सब्सक्राइब बनाने के लिए कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना कुछ आप इसके पीछे आपको मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। 1000 सब्सक्राइब कर पूरे करना तो बहुत खुशी का माहौल है। और अब जो है मेरे पास एक स्टेप, जो मैं थोड़ा पीछे हूँ, क्योंकि मेरे वॉचिंग आवर जो है कम्प्लीट नहीं हुए अभी। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, स्किप ना करें, प्लीज़ खासकर स्किप ना करें। जितना जो भी ब्लॉग है उसको पूरा देखें, ताकि दो जो है वॉचिंग हावर जो है मेरे, जो कुछ घंटे कम पड़े हैं तो वो घंटे भी पूरे हो जाएंगे। 4000 जो घंटे पूरे करने होते हैं वो अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए। तो गाइज, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों में शेयर भी करें, ताकि जो मेरा वॉचिंग हावर जो बचे है वो कंप्लीट हो जाए। और बाकी मैं आपको रोज़ इसी तरह से आपके आपका मनोरंजन करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा पहाड़ के कल्चर की, पहाड़ के एरिया की, पहाड़ का जो गतिविधियाँ रहती है, दिनचर्या रहती है, तो दिखाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि गाइज, हम गाँव में रहते हैं तो माहौल जो है, हम आपको कल्चर जो गांव का दिखाने की कोशिश करेंगे। और आपका तहे दिल से धन्यवाद। ते मैडम जी यहाँ पे पोछा लगाते हैं, पोछा लगा रहे हैं। क्या कर रहा हूँ? ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बताइए नहीं देगी आप 1000 सब्सक्राइब हो गए पूरे मेरे। हाँ, अभी मेरी आदत नहीं, बाद में करना था। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो हम बहुत खुश हैं। आ गए हैं गाय दूं के दूध निकाल के, निकाल दिया दूध कितना निकाल? एक बाल्टी, एक बाल्टी पूरी है। देखिए मैं कितना माहौल भी, थोड़ा मौसम भी बड़ा ख़राब है, पर थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी भी देख सकते हैं आप मौसम। गाय, मुझे अभी फ़ोन आया है कि गांव में यहाँ पे सब्जी की गाड़ी आई है, तो हम जा रहे हैं, अब जा रहा हूँ मैं सब्जी लाने। गाड़ी आ चुकी है, चलते सब्जी। हट, स्वाटर पिशु क्या करे हैं? पिशु भागे। तो गाइस, यहाँ देख सकते हैं गाड़ी है, पहुंच चुकी है यहाँ पे। क्या ले गया? सब्जी। ये देख सकते हैं सब्जी की गाड़ी हमारे ग्राउंड पहुंच चुकी है। बोले जी सब्जी ली ले ली, शुदन ले लिए, ये तरबूज है। तो गाड़ी यहाँ पे पहुँच रखी है सब्जी की, तो हमारे सब्जी लेने आ गए गाँव में। फैसिलिटी है ना, सोलन से बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पे, है ना, गाँव में। एक गाड़ी है बड़े JSM, जय श्री गुरु महाराज। गले तुम्हारा सोलन में आती है सब्जी?
ऐसी फ्रेश माल नहीं मिलेगा आप सोलन में ना? फ्रेश है, बिल्कुल सोलन में फ्रेश मिलता है। अच्छा, सब्जी ली सर? हाँ ले लिया, भेज दीजिए। किसके पास भेज? बच्चे आए थे। अच्छा बच्चे, कोई हमने देखा तो है। एडवांस ले लिए। तो ये देखिए नानी जी भी यहाँ पे सब्जी लेते हुए, और सब क्या क्या ले रहे हैं आप सब्जी? तरबूज, ये तरबूज खाने ना नहीं, करेला, कड़वा करेला। ये भाई लोग है सब्जी लेके आए, गाड़ी है इनकी। तो अपना ग्राउंड, तो भाई लोगों आप ना हफ्ते में एक बार जरूर आए, और आज बुधवार है, अगले बुधवार। हाँ बुधवार तक आओ आप, तब तक लिए हम इस सब्जी से गुजारा कर लेंगे जो हम ले चुके हैं। देख सकते हैं आज हमारे जो है तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, शाम की सेलिब्रेशन की। ये क्या बन रहा है? पनीर, पनीर बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप पनीर। और साथ में अभी थोड़ी देर में हमने क्या करना है कि एक होममेड केक बनाना है, तो उसकी तैयारी भी अभी शुरू हो चुकी है, है? और तो गाइस ये देख सकते हैं, अभी अभी जो मैं गया था यहाँ पे सब्जी लाने गया था, यहाँ पे अपने ये देख रहे गांव के पास यहाँ पे गाड़ी आई थी एक सब्जी की, तो मैं गया था सब्जी लाने, तो वहाँ से मैंने सब्जी लाई कुछ। ये देख सकते हैं, शिमला मिर्च लाई है, भिंडी लाई है, और टमाटर लाए। ये देख सकते हैं कुके ने आज नए शूज पहन दिए हैं। कुकी नए शूज पहन दिए बेटा, पास है बैठा हुआ लड़का, सो गया बेटा, सो रहे आप? ये सो रहा है, अब इसको अभी थोड़ी देर में इसको सुलाना होगा, पजामा लाना आएगा, इसका पजामा आ गया। दादी के, दादी का राट लाए, दादी के पास है। हेलो, पनीर यहाँ पे बन रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पे इस केक के लिए क्रीम जो बन रहा है, दूध का बनता है, तो कैसे बनेगा इसका क्रीम? अभी दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे, जब तक कि ये बिल्कुल कम नहीं हो जाता, तो हल्का हल्का गाढ़ा होने लगेगा दूध, फिर इसको हम फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, फिर ये ठेलने से बनाएगा, और कैसे ऊपर कैसे लगा, ऊपर ना बढ़ाने देगा हम। जी देख सकते हैं हमारा पनीर तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं, अभी इसने इसको निकालना शुरू कर दिया है। अब क्या करें इसका, निकल गया पूरा, नीचे देखिए रे, सो गया सो गया सो गया सो गया। हमारा पनीर तैयार कर रहे हैं पनीर, अब इसमें इसको क्या करेगा? इससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालना है। अच्छा, अंदर भी गर्म बहुत है, जो पनीर है जो तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं। अब क्या फ्रिज में डालना इसको, ये क्या? ये है केक का मिश्रण तैयार हो चुका है। हाँ हाँ बोलो, जिसमें है दही, बटर एंड शुगर। अच्छा, और ये क्या? इसमें भी मैदा मिलेगा, और ये है बटर, ये है घी। अच्छा, ये केक, केक की तैयारी चल रही है, तो गाइस ये देख सकते हो अभी तैयार, तो ये इसमें मैदा डल चुका है, बाद में बोले हाँ अभी, ये देख सकते हो। हैं ये गाढ़ा तो बन गया, दूध पर और जो लाना नहीं। ये देख सकते हैं आप, हमारा केक रेडी हो रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे, कुछ सामान तो नहीं था उतना प्रॉपर घर पे, जो जो है घर पे बना रहे हैं, और यहाँ पे हो रही है लिख,
ये देख सकते सुंदर शॉट। तो देख इसका क्या बनाया है पीस तो ठीक होना आप ये तो आप इसको खा सकते